हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन फॉर मिशन 2023 में दो वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं किसका का अध्याय चार का और अब तक मैं क्या करा चुका हूं बताऊं अब तक की स्टोरी में ये उन लोग के लिए है जो अभी तक ना पढ़ाई करना चालू नहीं किया है ये उन लोग के लिए जो अभी तक अभिषेक टू जीरो टू थ्री मिशन से जुड़े नहीं है तो आप लोगों को देखो दो दो वीडियो में आप लोगों को क्या क्या दे दिया मैं ये दे दिया जबरदस्त तरीके से बताया ये मैंने बता दिया ये इसको हम लोग एक बाई एक का दो बाई दो की कोटी का देख लिए उसके बाद में एग्जाम्पल करवाया तीन बाय तीन का कोटी तो जबरदस्त तरीके से मैं बताया उसके बाद आपको सारणी के गुणधर्म कितना सारा गुणधर्म एक गुणधर्म दो गुणधर्म तीन गुणधर्म गुण फिर टिप्पणी भी बताया टिप्पणी भी बताया तो लास्ट क्लास में यहाँ तक बताया था और मैं बोला था अब मैं संक्रिया से चालू करूंगा तो आप लोग देखो ना अभिपक्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस जो आपके लिए ना ये फ्री इनिशिएटिव लेके आई है ना उसको उसको आप लोग इंजॉय करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ बोला मैं अपने दोस्तों तक पहुँचा

और अपनी एम को अचीव करें इसके लिए ना हम लोग एक, एक मस्त प्लान करें सभी सब्जेक्ट सभी टीचर आठ टीचर लगे हुए हैं आप लोग के लिए आठ टीचर लगे हुए हैं और अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के जो डायरेक्टर मैम है वो खुद इस मिशन में आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं तो आप समझो जब हम टीचर सीरियस हैं आप लोग के लिए तो आप लोग को खुद सीरियस होना चाहिए ना अपने ड्रीम के लिए हम तो आपके साथ हैं लास्ट तक मुद्दा ये नहीं है कि हम साथ हैं कि नहीं हम तो साथ ही है मुद्दा तो ये है कि आप अपने ड्रीम के साथ हो कि नहीं तो कुछ करना है ना तो कुछ करना है तो कुछ करना है बोला मैं ये वीडियो तीसरा जा रहा है इस वीडियो तीन के बाद इस वीडियो तीन के बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये संक्रिया जो मैं अभी करवा रहा हूं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पूरा फोकस यहाँ पे देखो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये पहले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ ये पहले नंबर की मैं बात किया मैं और ये फिर दूसरा नंबर होगा ये देखो यहाँ पे लिखा हूँ पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर फिर ये तीसरा नंबर होगा तो सबसे पहले मैं इस पहले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ इस पहले नंबर की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से बस देखते रहना तो पहला नंबर बोल क्या रहे ध्यान से बस देखते रहना बोल क्या रहे अगर मैं कोई एक आव्यू ले लेता हूँ एक आव्यू ले लेता हूँ आव्यू नहीं अभी तो सारणिक पर है तो सारणिक लेता हूँ आव्यू भी ले लेता तो आव्यू को सारणिक में मैं चेंज कर देता ठीक है एक स्टेप क्यों ज्यादा करूँ तो यहाँ पर देखो मैं एक दो तीन दो दो तीन एक एक दो दो ये मैं किया ये मेरा एक अब देखो पहला वाला क्या बोल रहा है आर आई आई मतलब एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है ठीक है यहां पे एक दो तीन चार आई और जे कुछ भी हो सकता है ठीक है अभी आई और जे को मत देखो आप लोग ठीक है आई और जे को मत देखो यहां पे ध्यान से देखो आर वन क्या है आर टू क्या है आर थ्री क्या है मेरे को आप लोग ये आप लोग प्यार से बताएंगे प्यार से बताएंगे सर ये ना आर वन है सर ये ना सर आर टू है सर और ये ना सर आर थ्री है सर सर बेहतरीन सर ये ना आर वन है सर और ना सर ये आर टू है ना सर और ये ना सॉरी सी वन सी टू सी थ्री भाई सी वन सी टू सी थ्री ये सर आर वन है सर ये आर टू है सर ये आर थ्री है सर ये सी वन है सर ये सी टू है सर और ये सी थ्री है क्लियर है क्या अब मैं बोला सारणिक का मान बताओ सारणिक का मान बताओ तो आप लोग वही करोगे जो पहले हम लोग सीख के आए इसको टारगेट करोगे इसको इसको किसी को भी ऐसे हम लोग करेंगे लेकिन आप लोग संक्रिया भी लगा सकते हो देखो संक्रिया में कैसे लगाया ये मैं बोल रहा हूं आर आई प्लस माइनस आर ये तो ये क्या बोल रहा है आर का मतलब तो पंक्ति होता है सी का मतलब होता है कॉलम ये बोल रहा है कोई भी दो पंक्ति को आप जोड़ या घटा सकते हो कोई भी दो पंक्ति को या कोई भी दो स्तंभ को जोड़ या घटा सकते हो मैं पंक्ति की बात कर रहा हूं तो देखो अगर मेरे को सार्डनिंग एक चाहिए ना तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि संक्रिया लगाने से क्या हो जाए अब मैं संक्रिया लगा रहा हूं बताऊ क्या लगा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं आर वन में मैं संक्रिया लगा रहा हूं आर वन में मैं संक्रिया लगा रहा हूं क्या लगा रहा हूं आर वन माइनस आर थ्री कर रहा हूं किस में संक्रिया लगा रहा हूं आर वन में तो सिर्फ और सिर्फ आर वन चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ R1 चेंज होगा जिसमें संक्रिया लगाते हैं सिर्फ वही चेंज होता है और उसमें मैं क्या चेंज कर रहा हूं R1 में R3 को माइनस कर रहा हूं तो ध्यान से देखना R1 में R3 को माइनस कर रहा हूं तो R1 में मैं चेंज कर रहा हूं ना तो R1 में चेंज होगा R2 और R3 वैसे ही रहेगा तो R2 को मैं वैसे ही लिख देता हूं देखो टू थ्री वन वन टू टू ये मैं R2 और R3 को वैसे लिख दिया आर वन तो नहीं बोल दिया था ना? कोई बात नहीं आर टू और आर वन मतलब और यह है आर थ्री तो मैं आर वन माइनस आर थ्री कर रहा हूं तो यह आर वन ये पूरा आर वन माइनस आर थ्री कर रहा हूं यानी प्रत्येक अवयव को मैं घटाते जाऊंगा ठीक है आर वन के प्रत्येक अवयव को R3 के प्रत्येक संगत अवयव से संगत अवयव अवयव से घटाते जाऊंगा तो देखो आर वन ये हुआ तो वन माइनस वन हो जाएगा जीरो 1, 1 हुआ आर वन माइनस आर थ्री तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा टू माइनस टू हो जाएगा जीरो अब थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा वन अब मैं क्या बोला था जहां से जीरो दिखे वहां से खोल दो जहां से जीरो दिखे वहां से खोल दो तो मैं क्या करूंगा ये जीरो है और ये जीरो है तो जीरो ही आना है जीरो ही आना है प्लस और माइनस लगता है यहां पे करके बता दू करके बता दू ये देखो ये जीरो टारगेट किया तो धन जीरो ये और ये नहीं लूंगा तो क्या बचा तीन दूनी छः माइनस दो कम दो माइनस जीरो ये और ये नहीं लूंगा तो क्या बचेगा दो दूनी चार माइनस एक कम एक ये अब प्लस वन प्लस वन ये और ये नहीं लूंगा तो दो दूनी चार माइनस तीन एकदम तीन अब ये तो पूरा हो गया ना जीरो का गुणा किसी के भी साथ करूंगा तो जीरो आ गया माइनस जीरो जीरो का गुणा किसी के भी साथ करूंगा जीरो आ गया प्लस चार में तीन गया एक तो आंसर आ गया एक तो मेरा कैलकुलेशन बच गया अब आप लोग को लगेगा कि सर क्या ही कैलकुलेशन बचा मतलब सर क्या ही कैलकुलेशन बचा मतलब। छोटा सा तो था इसको कर देते ना अच्छा ठीक है अगर आप लोग का सोच ऐसा है तो आप लोग का इस भ्रम को देखो मैं कैसे दूर करता हूँ आप लोग का भ्रम को देखो कैसे मैं दूर करता हूं अगर मैं बोला अगर मैं बोला एक सारणी ए ये बताऊ क्या है ये है एक सौ दो सॉरी एक सौ एक ये एक सौ दो ये लो एक सौ तीन ठीक है एक दो तीन ये एक सौ एक एक सौ दो ये एक सौ दो अब बोलो ये मैं किया ये मैं किया अब आप लोग को नॉर्मल अगर करोगे तो कैसा करोगे नॉर्मल बताऊं नॉर्मल अगर करोगे तो क्या करोगे सबसे पहले 101 को लिए ये और ये नहीं लोगे 102 का गुणा दो से करोगे 102 का गुणा दो से करोगे करो भाई तो ये कितना हो जाएगा 204, ठीक है अब 102 का गुणा तीन से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 200 300 306 306 306 फिर माइनस एक अब ये और ये हो गया अब 102 का गुणा एक एक से करोगे मतलब 102 का गुणा एक सौ का गुणा एक से करोगे फिर माइनस एक का गुणा तीन से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 303 अब फिर ये क्या आया प्लस 103 अब ये और ये नहीं लोगे 102 का गुणा एक से तो ये 102 101 का गुणा दो से तो ये हो जाएगा 202 सौ अब ये सॉल्व करोगे तो बड़ा नहीं है कैलकुलेशन एक बार बताओ अब ये आएगा 101 अब इसमें से इसको माइनस करो क्या बड़ा बड़ा नहीं है ये 102 आएगा है ना 204 सौ चार सौ तीन सौ एक माइनस में 102 सौ दो माइनस एक सौ दो एक सौ दो माइनस तीन सौ तीन है तो इसको अगर आप लोग करोगे तो दो सौ दो तीन सौ दो मतलब ये दो सौ एक आएगा दो सौ एक प्लस एक सौ तीन अब इसको अगर माइनस करोगे आप ये माइनस में आएगा ठीक है अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस सौ अब करते रहो 101 का गुणा माइनस एक से 102 का गुणा 201 से कठिन नहीं है तो भाई संक्रिया लगा लो ना संक्रिया लगा लो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है एक बार देख लो 101 ये हो गया 200 204 100 200 300 306 क्लियर है भाई ये और ये कैलकुलेशन चेक करते रहना चाहिए ये हो गया 303 बिल्कुल क्लियर है भाई ये हो गया 102 बिल्कुल <दों>। क्लियर है भाई बिल्कुल क्लियर है भाई ये इधर हो गया तो ये हो गया 304 तो ये 102 बिल्कुल क्लियर है भाई ये यह यहाँ पे 202 सौ दो तो, तो ये हो जाएगा 201 आएगा क्या इसमें अगर माइनस करूँगा तो ये 201 सौ हाँ ये 201 तो है अब यहाँ पे यहाँ पे आएगा सौ बिल्कुल सही है तो आप लोग को देख रहे हो आप करोगे क्या बताओ 101 का गुणा 102 के साथ कितना बड़ा आएगा फिर जो आएगा फिर 102 का गुणा 201 के साथ कितना है तो संक्रिया लगा लो ना इसके लिए तो संक्रिया है तो अगर मैं संक्रिया लगा लूं तो संक्रिया लगा लूं तो देखो क्या होगा देखो क्या होगा प्यार से देखना ना प्यार से देखना एकदम प्यार से देखना अगर मैं इसको संक्रिया लगा दूँ हरे कलर से लगा रहा हूं मैं अगर मैं इसमें संक्रिया लगाऊँ क्या संक्रिया लगाओगे सर तो इसको ना मैं मिटा के थोड़ा सा बताता हूँ इसमें क्या संक्रिया लगाऊंगा मैं में मैं क्या संक्रिया लगाऊंगा आप लोग को मालूम है मेरे को मिटाना पसंद नहीं है है ना ये चलो देखो संक्रिया कर मैं क्या लगा रहा हूं आर आर वन में मैं संक्रिया लगाया आर वन माइनस आर थ्री कर देता हूं ठीक है वो घटता दिख रहा है तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एक सौ एक माइनस एक सौ एक जीरो एक सौ दो माइनस एक सौ दो जीरो एक सौ तीन माइनस एक सौ दो एक आएगा अब क्या आ गया एक दो तीन एक सौ एक सौ दो एक सौ एक सौ दो एक सौ दो क्लियर है अब जीरो से खोल दो ना यार एक काम करो ना एक काम करो मैं बताऊं यहां पे जीरो है तो जीरो ही आएगा जीरो है तो जीरो ही आएगा ये जीरो है तो जीरो ही आएगा ना जीरो ही आएगा मैं बताया जीरो से इंटू करूंगा जीरो ही आएगा अब ये हो गया प्लस वन ये और ये नहीं लूंगा तो क्या बचा 102 का गुणा एक के साथ 102 सौ दो माइनस एक सौ एक का गुणा दो के साथ तो हो जाएगा दो सौ दो सौ दो सौ दो क्या आ जाएगा आंसर क्या जाएगा? 101 आ जाएगा एक सौ एक माइनस ये तो ये हो जाएगा माइनस सौ आंसर हो गया हो गया तो देख रहे हो संक्रिया कितना है सेम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो सेम कॉलम के साथ भी कर सकते हो सेम कॉलम के साथ भी कर सकते हो बताओ आप बताओ आप लोगों को दिक्कत है क्या बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ ये हुआ ऐसा ऐसा होता है तो संक्रिया भाई इंपॉर्टेंट है संक्रिया इम्पोर्टेंट है बोला मैं संक्रिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या आएगा 200 सौ यहाँ पे ये, ये चार आएगा ना 104 आएगा क्या 100 सौ दो और चार आएगा यहाँ पे 206 आएगा क्या 100 200 300 300 306 आएगा यहाँ पे 306 आएगा तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो ना यार इसमें क्या घबराने वाली क्या बात है हो गया ह्यूमन एरर तो माइनस में ही आएगा आंसर एक सौ चार में ये घटा लो दो सौ चार तीन सौ चार और ये दो माइनस दो सौ दो देख लेना भाई कैलकुलेशन से थोड़ा क्या है board में कभी -कभी, ऐसे copy में कभी-कभी ऐसे लिखो तो कैलकुलेशन फिक्स होता है जब आप बोर्ड में करते हो तो कैलकुलेशन चैलेंज हो जाता है और चैलेंज ठीक है आते जाते रहेगा लाइफ में आते जाते रहेगा तो ठीक है तो एक का गुणा ओ सही किया था मैं दूसरे को देख लिया दूसरे को देख लिया कोई बात नहीं चलो तो देखो इसको में ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा प्लस ये और ये नहीं करूंगा तो एक का गुणा एक सौ दो के साथ एक सौ दो एक सौ एक का गुणा इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा दो सौ दो आंसर मेरा क्या आया माइनस सौ हाँ पहले सही किया था मैं कोई बात नहीं एक्चुअली बताऊँ मैं क्या कर दिया इसको और इसको नहीं लेना था इसको और इसको नहीं लेना था तो ये ये ना ध्यान देना आप लोग जब मैं इसको टारगेट किया ना तो मेरे को इसको और इसको नहीं लेना था तो क्या करना था एक का गुणा एक सौ दो से एक सौ दो फिर माइनस दो का गुणा एक सौ एक से तो सौ सौ दो हो गया एक एक दो, दो सौ दो अब इसको माइनस कर दो ठीक है तो ये हो गया तो देख लो कितना बड़ा जाता ये कितना आसानी से बन गया तो ये आप लोग पहला आप लोग समझ गए दूसरा आप लोग को बता रहा हूं दूसरा कैसे करना है किसी भी पंक्ति या कॉलम के साथ आप लोग कर सकते हो तो दूसरे की मैं बात किया तो दूसरे की बात कर रहा हूं तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि आप संक्रिया की मैं बात कर रहा हूं तो दूसरे संक्रिया की मैं बात किया चलो इसको मैं मिटा रहा हूं ध्यान से देखना ना क्वेश्चन इसी से बनने वाला है संक्रिया से ही चार नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आप लोग को ये हो गया क्लियर है क्या इस सबको मिटा दो सबको मिटा दो नया हम लोग लेंगे नया हम लोग शुरुआत करेंगे चलो ध्यान से देखो क्या बोला है पहला तो समझ गया ना कैसे करना है दूसरा बोल रहा है कि आप ना ये जो आर आई है आप ये बोल रहे हैं कि ना आप किसी एक पंक्ति में किसी का गुणा भी कर सकते हो और उसको किसी दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ या घटा सकते हो कॉलम में भी यही बोल रहे है कॉलम में भी यही बोल रहे हैं गुणा कर सकते हो और आप किसी का गुणा जैसे अगर मैं बोला अगर मैं बोला ध्यान से देखेंगे अगर मैं बोला दो का गुणा कर सकते हो ये बोल रहे हैं के की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो के की वैल्यू दो भी हो सकती है दो गुणा आर वन में कर सकता हूं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ के की वैल्यू दस ले लिया तो दस गुणा हमेरा सी वन सी टू या सी थ्री कर सकता हूँ उसको किसी से जोड़ भी सकता हूँ आप सिर्फ ना पूर्ण संख्या के नहीं आप फ्रैक्शन में भी आप किसी का गुणा कर सकते हो मतलब एक बटा पांच का कर सकते हो एक बटा दस का कर सकते हो किसी का भी आप कर सकते हो ये आप बता रहे हैं कॉन्स्टेंट का तो एक मैं लेता हूं एक मैंने सारणिक लिया ध्यान से देखो अब सारणिक मेरे को बनाना पड़ेगा जो हमको इजी लगे तो ऐसा सारणिक लेता हूँ जो आपको इजी लगे ध्यान से देखना आ, अब कॉलम में मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है अब मैं लिया एक एक, एक ओके अब मैं लिया पच्चीस सॉरी बाईस ले, ले लेते हैं और यहाँ पे ले, ले लेते हैं बीस यहाँ पे ले लो दो यहाँ पे ले लो तीन ठीक है ये क्लियर है यहाँ पे ले लो ग्यारह और यहाँ पे ले लो दस ये मैं ले लिया ये मैं ले लिया तो ये हो गया R1, R1, R2, R3, ये हो गया C1, C2, C3, ध्यान से देखो अब मैं क्या कर रहा हूं मैं इसमें क्या करने वाला हूं देखो मैं कर रहा हूं ये हो गया C1, C2, C3, अब मैं संक्रिया किस में लगा रहा हूं संक्रिया किसमें लगा रहा हूँ C3 में तो बस मेरा C3 ही चेंज होगा मैं C3 में क्या संक्रिया लगाया कि सबसे पहले मैं दो का गुणा कर दूंगा C3 के साथ और जो भी आया उसको C1 के साथ घटा दूंगा तो देखो क्या होगा तो देखो क्या होगा सिर्फ क्या चेंज होगा C3 चेंज होगा तो C1 ऐसे लिख दो C1 ऐसे लिख दो C2 ऐसे लिख दो C2 ऐसे लिख दो अब C3 में चेंज होगा C3 में बोल रहा हूं दो गुणा मतलब दो का इसमें मल्टीप्लाई करो दो का मल्टीप्लाई करूंगा एक में तो दो आएगा फिर टू को माइनस कर दूंगा वन से सी वन वाले के साथ तो इस इसमें दो का मल्टीप्लाई किया तो दो आ जाएगा फिर दो को माइनस करूंगा वन के साथ तो क्या आ जाएगा टू माइनस वन वन अब इस ग्यारह में दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो बाईस हो जाएगा बाईस को बाईस के साथ घटा दूंगा तो ये आ जाएगा जीरो अब इसमें दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा दस दूनी बीस और बीस को बीस से घटा दूंगा तो ये हो जाएगा जीरो हो गया ना अब मैं बोला जहां पे जीरो दिखता है उसको पकड़ लो अब यहां से मैं संक्रिया खोल दूंगा यहां से मैं संक्रिया खोल दूंगा यहां से मैं संक्रिया खोल दूंगा बोला मैं क्लियर है क्लियर है बात बोलो क्लियर है कि नहीं बात बोलिए ठीक है थीके? तो यहां से अगर मैं संक्रिया खोल देता हूं तो देखो क्या हो जाएगा आ दो तीन चार तो देखो सबसे पहले मैं एक को टारगेट किया तो धन एक लिख दो फिर क्या हो जाएगा ये और ये नहीं लिखना है तो बाईस छसठ बीस दूनी बीस दूनी चालीस अब माइनस ये जीरो आया तो यहां पे कुछ भी आए ना यहां पे कुछ भी आए लास्ट में तो जीरो ही आएगा लास्ट में तो जीरो ही आएगा हाँ पेपर में तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में लिखना पड़ेगा अब ये प्लस जीरो अब यहां पे जीरो है ना तो यहां पे कुछ भी आए लास्ट में तो जीरो ही आएगा लास्ट में तो जीरो ही आएगा तो क्या बचा छ माइनस चालीस कितना हो गया छब्बीस इज आंसर देखो देखो कितना आसान हो जाता है कितना आसान हो गया तो देखो कैसे मैं किया ठीक है तो यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दो का भी कर दूंगा गुणा जब जरूरत पड़ेगी तो एक बटे दो का भी कर दूंगा यहां पे लिखा है ना एक बटा के या तो के कर दो के वहां पे मेरा दो है यहां पे एक बटा के कर देता तो के की वैल्यू अगर दो ले रहा हूं तो यहां पे एक बटा दो कर देता सेम रो के साथ भी करूंगा पंक्ति के साथ तो बताओ क्लियर है कि नहीं तो मैं क्या किया दो का गुणा फिर माइनस कर दिया मेरे को दिख रहा है ना मेरे को दिख रहा है कि कुछ कुछ करने से कुछ कुछ होगा तो देखना पड़ेगा ये प्रैक्टिस से होगा ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया ठीक है सर यहां से सर हम लोग खोल दिए ठीक है सर ये और ये नहीं लेंगे सर तो बाईस छियासठ बीस दूनी चालीस सर और ये तो जीरो ही होगा सर कोई दिक्कत नहीं तो सर छठ में चालीस गया सर ये ठीक है तो ऐसे संक्रिया करते हैं अब ये जो तीसरा संक्रिया है ना ये आप नहीं लगा सकते ये वैलिड नहीं सिर्फ ये पहला लगा सकते हो दूसरा लगा सकते हो ये नहीं लगा सकते ये क्या बोल रहे हैं किसी दो पंक्ति को आप आपस में गुणा कर सकते हो यह गलत है आप दो पंक्ति को आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो गुणा नहीं कर सकते दो स्तंभ को आप गुणा नहीं कर सकते हाँ दो स्तंभ को जोड़ या घटा सकते हो गुणा नहीं कर सकते ठीक है।, है अब किसी पंक्ति में आप किसी नंबर का गुणा कर सकते हो लेकिन किसी पंक्ति में किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते आप किसी कॉलम में आप किसी नंबर को गुणा कर सकते हो लेकिन किसी कॉलम में आप कोई नंबर को ऐड नहीं कर सकते क्या क्या नहीं कर सकते दो पंक्ति का गुणा दो स्तंभ का गुणा नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते पंक्ति में किसी के धन और माइनस नहीं कर सकते यहां पे प्लस और माइनस कर लो और यहां पे प्लस और माइनस कर दो।, दो पंक्ति का गुणा दो स्तंभ का गुणा नहीं कर सकते किसी पंक्ति के साथ कोई नंबर जोड़ नहीं सकते किसी स्तंभ के साथ कोई नंबर जोड़ नहीं सकते बाकी आप ये कर सकते हो देख लो ये तो ओवरऑल ये मैं आप लोग को बताया ठीक है यह आप लोग को संक्रिया बताया और यह काम का है यह काम का है तब तो ये देखो इंपॉर्टेंट चीज कि आव्यु और सारणिक में अंतर डिफरेंस बिटवीन मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट हम लोग देखेंगे फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे तो बोल रहा है इसे आवयु की बात कर रहा हूं मैं तो इसे देखो बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट से निरूपित करते हैं तो इसे हम लोग किससे निरूपित करते हैं इससे निरूपित करते हैं और किससे निरूपित करते हैं इससे करते हैं डेल से करते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से करते हैं अगर सारणिक ए दिया हो तो ए सारणिक बी दिया हो तो बी तो पहला समझ में आ गया इसे इस तरह से हम लोग निरूपित करते हैं और इसे इस तरीके से निरूपित करते हैं आवयु में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान या असमान हो सकती है हाँ भाई अगर मैं समान की बात करूं तो ये लो दो, दो बाय दो का बना दिया एक दो दो, दो तीन ये दो बाय दो का हो गया यहाँ पे दो बाई दो का मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान है और इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ एक दो दो एक जीरो एक अब इसमें पंक्ति की संख्या तो तीन है स्तंभ की संख्या दो है तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या जरूरी नहीं कि समान हो इसमें हमेशा सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है तभी तो मैं बोला ये हमेशा वर्गाकार होती है तो इसके लिए आप ये लिख सकते हो दो एक दो जीरो हाँ ये वर्गाकार है दो गुणा दो ये सही है लेकिन अगर मैं बात बोलूं पंक्ति और स्तंभ की संख्या देखो बराबर है लेकिन सर आप पंक्ति और स्तंभ की संख्या ना यहाँ पे अलग अलग कर दो पंक्ति की संख्या दो हो गया स्तंभ की संख्या तीन हो गया तो ये नहीं चलेगा भाई सारणिक में ये नहीं चलेगा तो ये दूसरा अंतर है तीसरा अंतर की बात करूं कि आवयु वर्गाकार और आयताकार दोनों हो सकते हैं हाँ भाई वर्गाकार का मतलब जो पंक्ति की जो कोटी है वो सेम रहेगी पंक्ति की कोटी नहीं आवयु की कोटि सेम रहेगी आयताकार का मतलब क्या है कोटी जो है इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर नहीं रहेगी लेकिन इसमें सार्वजनिक केवल वर्गाकार होता है तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या हमेशा ही बराबर होगा हमेशा ही बराबर होगा देखो किसी का किसी नियतांक से गुणनफल इसके प्रत्येक अवयव के साथ किया जाता है ध्यान से देखना मेरा एक है अगर मैं के का गुणा करना चाहता हूं तो इस के का गुणा आवयु के प्रत्येक अवयव से होगा तो के का गुणा इससे भी होगा इससे भी होगा इससे भी होगा इससे भी होगा तो देखो के का गुणा करूंगा तो के वन वन के सॉरी के ए वन वन के ए वन टू के ए टू वन के ए टू टू लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है सारणिक में अगर मैं के का गुणा मैं करना चाहूं इस सारणिक में तो या तो ये किसी एक पंक्ति के साथ होगा देखो मैं पहले आर वन के साथ किया या तो आप आर वन के साथ कर दो या तो आप आर टू के साथ कर दो के का गुणा या तो आप सी वन के साथ कर दो ये देखो ये सी वन या तो आप सी टू के साथ कर दो तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए अगर मैं किसी में किसी का मैं गुणा करना चाह रहा हूं तो प्रत्येक करना चाह रहा हूं तो प्रत्येक अवयव के साथ हो के तो के नहीं होगा या तो पहली पंक्ति में होगा या तो दूसरी पंक्ति में होगा या तो पहले कॉलम में होगा या तो दूसरे कॉलम में होगा यह हुआ भाई मोटा मोटा बात तो ठीक है बच्चों तो आज इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं पूरी बेसिक में आप लोगों को बता दिया जबरदस्त तरीके से ऐसा कोई है जो इतने आसान तरीके से समझाया तो कमेंट जरूर करिएगा और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताते रहिएगा अभिपक्ष के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे तब तक के लिए टाटा गुड बाय